दिन भर चलने के लिए आपको पूरा दिन सर्वाइव करना है तो कितना ऊर्जा होना चाहिए। इसलिए देखिएगा, जो धावक होते हैं ना, सुबह उठते इतना चना खा लेते हैं, और क्या खा लेंगे, गुड़। दिन भर में 4 को खा लीजिए, आपका दिन का काम पूरा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से 14.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग को मिलती है 1 ग्राम खाएंगे तो। एक चना लगभग 1 ग्राम का होता होगा, चना का एक दाना कितना ग्राम का होता है? 1 ग्राम का तो हो ही जाता होगा एक चना का दाना, उतना खा लेंगे तो कितना ऊर्जा मिल जाएगा? 4.2 किलो कैलोरी। दिन भर चलने के लिए आपको 2500 किलो कैलोरी चाहिए। आपको पूरा दिन सर्वाइव करना है तो कितना ऊर्जा होना चाहिए? 2500 किलो कैलोरी। इसलिए देखिएगा, जो धावक होते हैं ना, सुबह उठते इतना चना खा लेते हैं, समझ में आ गई? चना खा लेंगे और क्या खा लेंगे, गुड़। गुड़ से क्या मिल जाएगा? सुक्रोज। और चना से क्या मिल जाएगा आपको? ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी, समझ में आ गया? चना के अंदर वाले में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। और चना की बाहरी खोल जो होती है वो क्या मिल जाएगा? स्टार्च मिल जाएगा। बढ़िया से एनर्जी मिल जाएगी नहीं, इसलिए गुड़ और वो चना ये हर धावक खाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं कार्बोहाइड्रेट में? बताइए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। और दिन भर जीने के लिए खजूर देखें 500 किलो कैलोरी होता है उसमें एगो में। दिन भर में 4 को खा लीजिए, आपका दिन का काम पूरा कर देगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है खजूर में, जो काला वाला डेट बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं खजूर को डेट। बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है उसमें, ज़्यादा मात्रा में उसमें एनर्जी होता है। तो खजूर भी खा सकते हैं, लेकिन वो महंगा मिलता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं। गुड़ चना खाइए, काम खत्म। खजूर वगैरह खाने से कुछ ना होता है। आगे बढ़े। अब कई को लिख रहा है सब, खजूर खाइला बिना अब खजूर खाना है। आप लोग का शरीर, जब तक आप टेंशन में रहेंगे, जॉब नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा से नहीं होगा, खाना पीना शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि गामा सेल स्वांगीकरण नहीं करता है। टेंशन में हमेशा रहेंगे लोग, समझ में आया? जिस दिन आपका सेटलमेंट हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी, ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाएगा। और जैसे इसकी तरह दिन भर बतियाइएगा, ऐसे एयरफोन लगा के तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, फोनवा देने से पहले काट दिया, हमरे सिखा रहा था, पल पल का रिपोर्ट दोगे खोपड़िया पे चढ़ जाएगा, हियाँ है हुआ है का मतलब है, कहाँ है नहीं समझे। पहले ही बकलोल होता है सर, शुरू से पहले ही नतमस्तक हो जाएगा सर, उसके बाद सोचेगा सर कि हमको दबाया जा रहा है, बकलोल कही का ट्रेनिंग में तू चौपट हो गया। आगे बढ़े। कहाँ से खोजा है तुम? पटने से।